आपको एक बात और बता दूं, ताजमहल में भी विधाता का जनरेटर लगा हुआ है। अच्छा, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं आगरा जनरेटर का फैक्ट्री में। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड जो कि विधाता कंपनी का यहां पर फैक्ट्री है जनरेटर का। पूरा डिटेल जानेंगे कैसे बनता है, कौन सा प्रोडक्ट लगता है और डीलरशिप कैसे लेंगे, पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो आइए चलते हैं, हम भैया से मिलते हैं, फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा फैक्ट्री के अंदर का है, पूरा आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा में फैक्ट्री है, और पूरा जानेंगे कैसे कैसे बनता है। भैया से अंदर मिलते हैं और पूरा डिटेल जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, आप लोग खोजते हो बेस्ट क्वालिटी का जनरेटर, खोजते हो डीजे बजाने के लिए, टेंट में यूज करना चाहते हो, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, लोकल माल ले लेते हो। लेकिन आज हम लोग दिखाने वाले हैं विधाता कंपनी का डायरेक्ट फैक्ट्री टूर दिखाने वाले हैं। डायरेक्ट ऑनर से बात करेंगे क्या क्वालिटी देते हैं और कॉपी और ओरिजिनल में क्या फर्क रहता है, क्या कैसे पहचाने की कॉपी है ओरिजिनल है। तो चैनल में आपका स्वागत है सर, क्या नाम है उसके बताइए मेरे सब्सक्राइबर को। जी नमस्कार भाई साहब, मैं हूँ तरुण गर्ग। ठीक है, अपना क्वालिटी के बारे में बताइए। देखिए, हम लोग जो क्वालिटी बनाते हैं ना, वो ओरिजिनल कैसे है, ठीक है, इसका एक बहुत ही साधारण सा तरीका है। आप ये देखिए कि उस जनरेटर में लगा क्या है, यानी कि सीआर किस कंपनी का है, फ्यूल इंजेक्शन पंप किस कंपनी का है। हमारे पास जितने भी स्पेयर पार्ट्स, यानी कि जनरेटर बनाने में 350 स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, वो सारे ही स्पेयर पार्ट्स हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी के ही लगाए जाते हैं। जैसे कि ऊषा का पिस्टन, फ्यूल इंजेक्शन पंप बॉश की, सीआर के लॉस्कर, और इसके अलावा ईएनआई हार्डेंड की क्रैंक कनेक्टिंग रॉड, कई ऐसी चीजें हैं, आपको रेडिएटर कॉपर, मतलब एक एक चीज हम लोग नंबर वन क्वालिटी की लगाते हैं, जिससे हमारा जनरेटर बेस्ट क्वालिटी का बन पाता है। कोई डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनना चाहता अपने एरिया में तो कैसे आप बन सकते हैं? हमारे ऑल ओवर इंडिया में 300 डीलर्स हैं अभी, लेकिन यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है। देखिए, अगर अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में आपकी क्वालिटी फैले। आज अगर आपको डीलरशिप लेनी है तो आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, vidhatagroup.com पर, और उस वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहां से आपको जानकारी मिलेगी कि आप किस तरीके से हमारी कंपनी के डीलर बन सकते हैं। ये जानते हैं कि जनरेटर को खरीदने से पहले हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, ऊषा पिस्टन ही होना चाहिए आपके जनरेटर में। ये आप देखिए, ओरिजिनल ऊषा ही हम यूज करते हैं अपने जनरेटर में। यहाँ पर आप देख करोगे ऊषा ही मिलेगा, ये देखिए 100% ऊषा ही मिलेगा आपको, जबकि मार्केट में लोग ऊषा की जगह कोई और पिस्टन भी लगा देते हैं। अब ऊषा का फायदा क्या है, डीजल कंजम्पशन कम आता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट, दूसरी बात हम आपको बताते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप हमेशा बॉश का ही होना चाहिए, जो कि नंबर वन क्वालिटी है पूरे वर्ल्ड की। इस वजह से आपका जनरेटर इजी स्टार्ट हो जाता है, फ्यूल कंजम्पशन भी कम आता है। आइए बात और आप ध्यान में रखिए हमेशा कि जो सीआर लगा हो, सीआर हमेशा किर्लोस्कर कंपनी का ही होना चाहिए, किर्लोस्कर का ही होना। हाँ, इस वजह से आपका डीजल कंजम्पशन भी कम आएगा और जनरेटर आपका सालों साल बढ़िया चलेगा, कभी भी आपका डीजल कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं अगर किर्लोस्कर कंपनी का सीआर लगा हुआ है। तो 80 केजी कास्टिंग का फ्लाईव्हील हम लोग लगाते हैं, जिस वजह से हमारे जनरेटर में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। 10 केवी जनरेटर की हम बात कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमारी फैक्ट्री में इंजन में हेड बॉडी ब्लॉक सीएनसी मशीनों पर बने होते हैं, जिस वजह से कभी भी कोई लीकेज नहीं आती, किसी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम सालों साल तक नहीं मिलती। हमेशा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि विधाता कंपनी में केडी कंपनी के हॉर्स पाइप यूज होते हैं, जो कि बहुत मजबूत होते हैं और सालों साल तक आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। क्रैंक कनेक्टिंग रॉड हमारे यहाँ जो लगती है, यानी कि विधाता कंपनी में जो लगती है, वो EN9 हार्डेंड होती है, नंबर वन क्वालिटी होती है। अगर वो EN9 हार्डेंड है, यानी कि कभी वो टूटेगी नहीं, और जब टूटेगी नहीं आपका जनरेटर सालों साल चलता रहेगा। आप देख सकते हैं विधाता कंपनी में KEW कंपनी की ही ऑयल पंप यूज की जाती है। लोग सस्ती क्वालिटी लगा देते हैं, बाद में भुगतते हैं। भाई, प्रॉब्लम तभी आती है जब आप कोई भी सस्ता सामान लगाओगे, यानी कि सस्ती क्वालिटी लगाओगे। जो चीज फैक्ट्री से बढ़िया बनके आई नहीं, वो बढ़िया काम कैसे करेगी। बात करते हैं 100% कॉपर एच क्लास इंसुलेशन के बारे में। होता क्या है कि अगर आपका एच क्लास इंसुलेशन कॉपर वायर है, तो उसमें आपकी कभी ना तो वोल्टेज ड्रॉपिंग होनी है, ना ही आपका करंट कम होगा एम्पियर, यानी कि आपका ना एम्पियर कम होगा ना वोल्टेज कम होंगे। आपका जनरेटर सालों साल तक उतना ही लोड पर चलेगा जितना किलोवाट का आपने लिया था। ये बात करते हैं ऑल्टरनेटर के 100% कॉपर एच क्लास इंसुलेशन के बारे में। होता क्या है कि अगर आपका जो क्लास है
वो एच क्लास नहीं है तो उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, एम्पियर कम होने की प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि अगर आपने 7.5 का या 10 kVA का लिया है तो वो कायदे से कुछ समय बाद आपका ना 7.5 का रह जाएगा ना 10 kVA का। अब आप ये खुद सोचिए, आपने 7.5 का जनरेटर लेने निकले थे और मिल गया आपको 6.5 का, क्यों? उसमें सस्ती क्वालिटी का कॉपर लगा हुआ था और कुछ समय बाद उसने वोल्टेज छोड़ दी। तो ये बात करते हैं ऑल्टरनेटर की बॉडी के बारे में। होता क्या है कि मार्केट में लोग जो लगा रहे हैं बॉडी वो 13-14 mm की होती है। अब होता क्या है, उसमें ऑल्टरनेटर की बॉडी का जो ढोल होता है विधाता कंपनी लगाती है 18 mm का, मार्केट में लोग लगाते हैं 13-14 mm का, वो जल्दी हीट हो जाते हैं, विधाता का हीट नहीं होता। इस वजह से ना कोई वोल्टेज ड्रॉपिंग होती है ना ही कोई प्रॉब्लम आती है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ऑल्टरनेटर बनता कैसे है। अब ऑल्टरनेटर बनाने के लिए आपको चाहिए ढोल, ढोल, पोल शू, रोटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑल्टरनेटर्स की। यहाँ पर हमारे रोटर रखे हुए हैं इस साइड, ये थोड़ा सा ऊपर की ऑटो वायर है, KEI वायर का हम लोग ऑटो वायर यूज करते हैं और नंबर वन क्वालिटी के ही हमारे पास सारे स्पेयर मिलेंगे आपको। ये रोटर हो गए, 4 इंची DC में 10 kVA का जनरेटर बनता है और उसी में हम 4 इंची DC का जो रोटर लगा रहे हैं ये सबसे हैवी ड्यूटी रोटर होता है, मार्केट में आपको मिलेगा ही नहीं किसी के पास। अब आप देख सकते हैं ये कॉपर 100% प्योर कॉपर एच क्लास इंसुलेशन BIC कंपनी का, भारत इंसुलेशन कॉर्पोरेशन का हम लोग कॉपर यूज करते हैं जो कि इंडिया की नंबर वन क्वालिटी का कॉपर होता है। अब आप जैसा देख सकते हैं कि कॉपर भी लग गया, हैवी मटेरियल भी लग गया, सारा स्पेयर पार्ट बेस्ट क्वालिटी का लग गया। अब इसको हम कपलिंग करेंगे, आइए कपलिंग दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये सारा जनरेटर बनाने में स्पेयर यूज होता है, ये आपकी ग्रिल हो गई, रेडिएटर फैन हो गए, रेडिएटर ट्रे हो गई, कपलिंग हो गई, फिर आपके नट बोल्ट वगैरह हर चीज नंबर वन क्वालिटी की यूज होती है। और यहाँ बनता है हमारा जनरेटर, यहाँ कपलिंग हो रहा है, यानी कि इंजन आ गया है और आप पीछे देख सकते हैं ऑल्टरनेटर रखे हुए हैं। अब ये इंजन ट्रॉली पर रखकर आप इसको कपलिंग करके पूरा जनरेटर बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैसे जनरेटर को बनाया जा रहा है भाई लोग, अगर आप लेना चाहते हो तो नंबर दिया हुआ है, आप लोग देख। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा इंजन बन रहा था, फिर देखा आपने ऑल्टरनेटर बन रहा था, अब आप देख रहे हैं ये कपलिंग हो रही है। कपलिंग फुल एक्यूरेसी के साथ में होती है और उसके बाद हमारा जो कि इंजन, मैं आपको एक बात बता रहा भूल गया कि इंजन हमारा 4 घंटे टेस्ट होता है, 4 घंटे, 4 घंटे टेस्ट होने के बाद में फिर जब जनरेटर बनता है तो 2 घंटे टेस्ट होता है, यानी कि आपके पास जो जनरेटर पहुंच रहा है वो पूरा 6 घंटे टेस्ट होकर जनरेटर पहुंचता है, जिस वजह से आप जाते ही सीधे उस पर पूरा लोड डाल सकते हैं, जबकि मार्केट के किसी भी जनरेटर पर आप फुल लोड एक बार में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो अधिकतर तो होता क्या है कि वो जनरेटर होते ही नहीं उतने केवीए के जितना कि आपको दिया जा रहा है। अगर कोई 7.5 का दे रहा है तो 7.5 का नहीं होगा, वो 6.5 का होगा या 6 का होगा। एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, कितना जनरेटर में लोड देने पर डांस करने लगता है? देखिए अगर किसी ने उसमें मिलावट कर दी है, आपको 7.5 कह के बेच दिया और है वो 6.5 का, तो 6.5 के बाद ही वो डांस करने लगेगा, ठीक है? यही कहानी चलती है मिलावट की, और मिलावट की क्या है कोई भाई साहब, कोई कहानी का अंत ही नहीं। आइए बात करते हैं ऑल्टरनेटर में जो हमारा कनेक्शन बॉक्स लगा होता है, ये देखिए कितने बड़े साइज का कनेक्शन बॉक्स लगा हुआ है, आप साइड से देख सकते हैं, डिजिटल मीटर वाला कनेक्शन बॉक्स है हमारा। मार्केट में आपको छोटा सा कनेक्शन बॉक्स मिलेगा, अब वो सस्ती क्वालिटी तो सस्ती क्वालिटी रहेगी, विधाता की क्वालिटी ऊपर रहेगी। कंपनी में लिंक बेल्ट यूज होती है, जबकि मार्केट में लोग वी बेल्ट लगा देते हैं, वी बेल्ट क्या होता है हीट हो जाती है, लिंक बेल्ट ना तो कभी हीट होगी ना कभी टूटेगी। कंपनी में जो फ्यूल पाइप यूज होता है वो इतनी बेस्ट क्वालिटी का होता है कि इसमें आपको कभी लीकेज नहीं मिलेगी, जबकि मार्केट में लोग क्या करते हैं कुछ भी दिखाने के लिए सिल्वर कलर के अटरम शटरम कुछ भी लगा देंगे, उसमें लीकेज होती रहती है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhatagroup.com पर, वहां दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए और जनरेटर लीजिए हमेशा सही। लेने के लिए कैसे लेना होगा सर? आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए vidhatagroup.com पर, वहां से आपको डीलर की जानकारी दी जाएगी, ठीक है? जहां भी डीलर होगा वहां से आप ले सकते हैं, अगर वहां डीलर नहीं है तो आप हमारी कंपनी में संपर्क कीजिए, कंपनी से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप हमारा जनरेटर कैसे ले सकते हैं।